मौला अली ने फरमाया, बेशक सबसे ज्यादा सवाब मिलने वाली नेकी एहसास है और बिलाशुबा तमाम कामों में नेक अंजाम वाला काम सब्र है। और बेशक वो एहसास व कर्म जो तूने किसी के साथ किया है, वो दर हकीकत तूने अपनी जान के साथ किया है और इसके जरिए तूने अपनी आखरत को संवारा है। और अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो इसके साथ भलाई किया करो, क्योंकि अल्लाह को माफ करने वाला इंसान बहुत पसंद है। मौला अली ने फरमाया, ए लोगों, गरीबों, मस्कीनों और यतीमों का एहसास किया करो, क्योंकि एहसास करना आखरत के लिए जखीरा जमा करना है। और करीम वो है जो इस जखीरे को जमा करे। और किसी के साथ एहसास करके जतलाया न करो, क्योंकि एहसास जितलाने वाला अपना मुकद्दर खराब कर लेता है। और जो शख्स अपने एहसास को जो वो लोगों के साथ पहले किया करता था, जब इसे रोक देता है तो अल्लाह इसकी नेकियों को जाया कर देता है। मौला अली ने फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा किसी और से जरूरत और हाजत बर्दारी चाहता है, वो बदबख्ती में पड़ जाता है और तरह तरह की तकलीफों और तकालीफ में मुब्तला हो जाता है।